हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे कि चार नंबर की संख्या को भाग करने हमने तीन नंबर की संख्या के साथ कोई भी चार नंबर की संख्या ले लेनी है। जैसे कि हमने ले लेते हैं 5, 2, 3, 0, 5230 संख्या ले ली। और हम तीन नंबर की संख्या कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 2, 5, 0, 250। इसके लिए पहले हम यहाँ पर बच्चा काम कर लेंगे। बच्चा काम 250 को गुणा करके देखेंगे किस पे जाता है। ये 250 को पहले हम करके देखते हैं। दो सौ पचास को दो से किया, दो जीरो जीरो पंद्रह दस, दो जीरो जीरो दस दस की जीरो, एक दो चार एक पाँच, 500 आ गया। पहले ये जाएगा दो पे, ये इसको छोड़ देना, इसके नीचे लिखना 500, 500 तीन, ये दो, ठीक है। 230 ये जो जीरो जो है ये नीचे का नहीं है, अपने हमें बन गया, हमारा बन गया 230, ठीक है। अब 250 में 230 तो जाएगा नहीं, इसके लिए एक पॉइंट लगा के जीरो और लगा दो, ये जीरो नीचे रहनी है। हमारा संख्या बन गई 2300। अब 250 है, 250 को हम करके देखते हैं 8 से इसको गुणा करके देखते हैं कितनी संख्या आती है, फिर देखेंगे कि उसमें से माइनस होता है या नहीं होता। आज 0 अपना 40 की जगह से 4, 16 4 20, संख्या अभी 2000। और इसको 9 से करके देखो, 250 को 9 से 900, 9 का 45 का 5, 4, 9 में 18 और 4 22, तो 2250, ठीक है। 9 पे चला जाएगा, 9 इधर लिख दिया, 2250 05 05, 0 0 आ गया, 0 0 आ गया, 10 10 इधर 0 0 आ गया, और 3 ने 0 ने से ले लिया, 10 10 में से 0 गया 5, इधर 2 2 में से 0 0, 2 2 में से 0, ठीक है। ये हो गया 50। अब हमें एक ही और ले लेनी है, ये संख्या हो गई 500। अब फिर 2 पे चला जाएगा, 2 2 5, ठीक है ना, 2 पे चला जाएगा 500 500 में 500 कट गया, और हमारा आंसर आ गया 2.92। ये अपना आंसर आ गया। हमें किसके साथ किया, 5230 को 250 के साथ किया है, ये अपना आंसर है। ओके गुड बाय, आगे हम और भी आपको बताएंगे। धन्यवाद।